वेलकम बैक ऑन क्रिकप्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय आगे की ओर जा रहा है। ग्रुप स्टेज के मैचेस यहाँ पे समाप्त होने वाले हैं। ऐसे ही एक मैच हम लेके आए हैं जो कि इस वक्त जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, नीदरलैंड वर्सेस टीम श्रीलंका के बीच में। कितना अहम है ये मैच ये जानते हैं, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कितना असरदार होगा किस टीम के लिए आगे जाने के लिए, आइए जानते हैं इस समय दीपक जी से। धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं का जो हमें सुन रहे हैं। जैसे संजय जी ने पूछा कि ये मैच कितना, कौन सी टीम के लिए कितना अहम है, और मैं बताना चाहूंगा जो ये मैच हो रहा है श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का, ये मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम नीदरलैंड की दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि आपने देखा कि नीदरलैंड ने पहले जब इससे जो पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, वहां पे अनफॉर्चुनेटली 25 रनों से हारे हैं, जहां में इनका थोड़ा सा जो इनकी स्ट्रेटेजीज हैं उन पे इनको ध्यान अगर ये देंगे तो कहीं ना कहीं मैच को ये पूरा कर सकते हैं। अभी जो टीम में मेरे को थोड़ी सी ग्लिच लग रही है वो ये लग रही है कि ये मैच जो इनका टेम्परामेंट है, जो जिस हिसाब से मैच जाना चाहिए, जैसे कि आपने देखा कि 14वें ओवर तक मैच बहुत अच्छा जा रहा था, 36 बॉलों पे 49 रन चाहिए थे, लेकिन वहाँ टेम्परामेंट उन्होंने कहीं ना कहीं टेम्परामेंट लूज किया, क्योंकि वो वहां से मैच इजिली निकाल के जा सकते थे। स्पिनर बॉलर था और एक 4 रन आ चुके थे, 2 रन और आ चुके थे, 7 रन आ चुके थे, 8.5 रन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहां पे टेम्परामेंट को लूज करते हुए बड़े शॉट्स जल्दी खत्म करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं नीदरलैंड को ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज पे अपने ध्यान देना पड़ेगा और संयम से काम लेना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी टीम ये उभर के आ रही है, जैसा कि आप पूरे वर्ल्ड कप में देख रहे हो, यूएसए ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये नई नई टीमें जैसे नीदरलैंड, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बड़े मैचेस का, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ये खेल रहे हैं। स्कॉटलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत अच्छी बात है, जो ये जो निचले स्तर की टीमें हैं ये जो इतना अच्छा खेल रही है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही है। और डेफिनेटली ये गेम नीदरलैंड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चांस है उनका कि वो सुपर 8 में जा सकते हैं, बस वो ये मैच बहुत अच्छे से अच्छे रन रेट से जीते और बांग्लादेश आने वाला अपना मैच हार जाए तो ये सुपर 8 में आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी जानकारी दी आपने, जिस तरीके से बताया कि उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेली थी वो बहुत ही अच्छी खेली थी। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, कौन से ऐसे प्लेयर की फैक्टर रहेंगे जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ नीदरलैंड की टीम की तरफ से, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस निकल गया है कुछ खिलाड़ियों के। संजय, प्लेयरों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी है, अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो थोड़ा कभी बैटिंग में कोलैप्स कर गए थे, कहीं बॉलिंग में थोड़ी सी चूक हो गई थी, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास बॉलर उनके पास हैं, हसरंगा है और पथिराना है और तुजारा है और भी काफी अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फियरलेस क्रिकेट की अप्रोच नीदरलैंड को रखनी चाहिए, क्योंकि जो उनके मिडिल ऑर्डर हैं वो कहीं ना कहीं स्पिन को नहीं अच्छा खेल पाते, जिसकी वजह से हमने देखा पिछले मैच में भी उनको हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे जो शुरुआती बल्लेबाज है जैसे डिडाउ हो गए हैं और आपके विक्रमजीत सिंह और एडवर्ड, वो अच्छा खेलते हैं, तो ये जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं इनको अपने कंधे पे थोड़ा सा लोड लेके श्रीलंका के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही जानकारी दी, जिन खिलाड़ियों के बारे में आपने बताया वाकई में उनके पास क्षमता है, वो काबिलियत है जिससे वो बेहतर कर सकते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, श्रीलंका और नीदरलैंड्स के जो आपने प्लेयर्स के नाम बताए। थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए दीपक जी आपका। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा ये मैच वाकई में अच्छा है, और इस मैच के साथ ही ये तय होगा इस ग्रुप में कि कौन सी वो टीम होगी जो सुपर 8 में जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक मैच और बाकी है जो बांग्लादेश और नेपाल का है, ये मैच भी अहम होगा, वो भी डिपेंड करेगा कि कहीं अगर बांग्लादेश ने वो मुकाबला जीत लिया वहां नेपाल से तो उनके पास भी मौका हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिकप्लेक्स पर, और मैच प्रीव्यू में बस इतना ही, एक और नए मैच के साथ वापस आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।